thank mm -hmm. you दोस्तों आपने एक बीमारी का नाम सुना है जो साइनोसाइटिस के नाम से जाना जाता है बहुत कॉमन बीमारी है साइनस की इनफेक्शन पहले तो इन्फेक्शन में आइटिस ऐड हो जाता है है आपको मालूम अपेंडिक्स में हुआ अपेंडिसाइटिस लैरिंगस में हुआ कोलाइटिस फेरिंग्स में में हुआ हुआ लैरिंग्स तो ये जो आइटिस ऐड होता है साइनस के पीछे हो गया तो साइनोसाइटिस ये साइनस है क्या स्पेस है स्पेस कहाँ पे हमारे आंख के पीछे हमारे फोरहेड के पीछे और हमारे चिक्स के पीछे यहाँ पे एक साउंड बॉक्स जैसा एक एरिया है जहाँ पे हवा रहता है और उसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है नाक के अंदर आपको मालूम है लिक्विड होना चाहिए हर वक्त मॉइस्चर होना चाहिए म्यूकस होना चाहिए जो धूल धुआँ जाता है वो म्यूकस में चिपक जाती है और इसलिए साइनस के अंदर जो लाइनिंग होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती है अब प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा आपका गला भारी हो जाएगा गले का आवाज बदल जाएगा और आपके यहाँ पे दर्द होगी सर दर्द होगा और ज्यादा इंफेक्शन हो गई तो आपको बुखार जुखाम, ये सब भी होगा तो ये साइनोसाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है कोई भी आदमी को कभी ना कभी जिंदगी में होता ही है और बहुत सारे लोगों को ज्यादा होता है किनको ज्यादा होता है मालूम है जिनको एलर्जी ज्यादा है जिनको बार बार कॉमन कोल्ड लगता है एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं उनको साइनोसाइटिस बहुत होता है क्योंकि -क्यों वो एलर्जी होता है साइनस का मुंह बंद हो जाता है एलर्जी की वजह से और उधर म्यूकस जमता रहता है साइनस के अंदर इन्फेक्टेड हो जाता है एक और कारण है उसको बोलते हैं डिविएटेड नेजल सेप्टम आपको मालूम है नाक के बीचों बीच एक दोनों नाक को डिवाइड करने वाला एक सेप्टम होता है और वो जो सेप्टम होती है दीवाल समझ लीजिए वो दीवाल

एक तो अगर आपको एलर्जी है उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट लीजिए अगर आपका डिवेटेड नेजल सेप्टम है तो अगर थोड़ा बहुत है तब तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है आप नाक में डिकन्जेशन करेंगे तो ही हो जाएगा पॉलिप अगर बढ़ गई है तो पॉलिप को ठीक करना पड़ेगा या तो उसमें स्टेरॉयड डाला जा सकता है आजकल लोकल स्टेरॉयड दे के भी इसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट होता है पॉलिप वगैरह का बट जो भी डिवेटेड नेजल सेप्टम है पॉलिप है जिसकी वजह से बार बार साइनोसाइटिस हो रहा है एलर्जी है उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा पानी बहुत पीजिए और कोशिश कीजिए नाक हर वक्त क्लीन रहे अगर इन्फेक्शन हो गया तो संग संग एंटीबायोटिक लीजिए साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट यही है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए इन्फेक्शन को दूर रखने का कोशिश कीजिए डिकन्जेशन मिलता है नेजल ड्रॉप मिलती है नेजल स्प्रे मिलती है उनको यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर दे रहे हैं तो भी ले सकते हैं पर साइनोसाइटिस की बीमारी क्या करता है ना सर दर्द करता है अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस यहाँ पे दर्द करता है अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है तो ये आंख के नीचे वाली साइनस में होता है तो आंख के उधर भी दर्द होती है मुंह पूरा लाल हो जाता है इन्फेक्शन हो जाती है तब बुखार भी हो सकती है तो ये साइनोसाइटिस के बारे में आपको हमने बताया है आप साइनोसाइटिस के बारे में और भी जानना चाहें तो आप गूगल करिए उसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा एनीवे anyway, आपको मैं बता दूं मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजेड़े है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी पर मेरी हॉबी है लोगों को हेल्थ के बारे में सिखाना समझाना और सिंपल बोल के बताना तो आपको आज साइनस के बारे में बताया साइनोसाइटिस के बारे में बताया इसको याद रखिएगा और लोगों तक इस बात को पहुंचाइएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं आपको फिर से